अगर इस सीआईएसएफ की टीम लगातार बेहतरीन खेलती हुई एक तरफा अब तक के मैच का स्कोर कहें तो बारूराम की टीम को पछाड़ती, जब तक कि बारूराम रेढ़ा के रेडर को समझ पाते सीआईएसएफ का डिफेंस अपनी पकड़ बता चुका है कि हम भी इस तरह से नहीं रेडर को परमिशन देंगे कि आप अंदर आए। और अब रेड पर राम विजय और सुनील, ये तीन रेडर हैं जिनके अंदर ये काबिलियत है कि कभी भी मैच को पलट सकते हैं, लेकिन सीआईएसएफ की टीम बिल्कुल एकजुट होकर खेलती हुई लगातार प्रयास करते हुए, लेकिन फिर मिड लाइन के करीब कैच किया राम को, पॉइंट मिला सीआईएसएफ की टीम को। और ग्राउंड नंबर एक पर भी बड़ा बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ चमारिया स्कूल और मकरौली स्कूल के बीच में। अगला मुकाबला 194-2 खानपुर के मैदान में होगा, दोनों टीमें तैयार है। उसके बाद पहला क्वार्टर फाइनल संस्कार भारती पाली वर्सेज आदमपुर के मैदान में खेला जाएगा, दूसरा क्वार्टर फाइनल सती माता पाटेड़ा वर्सेज चलानी बी के मैदान में खेला जाएगा। सर, जो भूप सिंह चांदवास और एसबीएम खानपुर के बीच का जो मैच है वो मिट्टी के ग्राउंड पर होगा, और संस्कार भारती पाली और आदमपुर के बीच जो मैच है वो मैट पर होगा। उसके बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल जो है पाथेरा वर्सेज चनाड़ी भी, वो भी मैट पर ही होगा। दोनों ही ग्राउंडों में बड़े बेहतरीन मैच चलते हैं, जो टीम जीतेगी वो क्वार्टर में प्रवेश कर जाएगी, जो टीम जीतेगी वो क्वार्टर में प्रवेश कर जाएगी। जो मैं पहले आपको बता देता हूँ, चाहे शहरों सरपंच पारडी तनवारा से है, वो उनसे अनुरोध करूंगा जिस टाइम पे आए विजय सरपंच जी पारडी तनवारा इस मैच से मुख्य अतिथि हैं। विजय सरपंच जी पारडी तनवारा से एक बार स्टेज पे आए। और भाई काफी टूर्नामेंटों की पहले भी अनाउंस कर चुके हैं, फिर भी बता दो तारीख को दादा फतेहपुरा में टूर्नामेंट 51-31 का आप जरूर पहुंचे। 28 तारीख को बिहारी अटेली के नजदीक और गुजराम के गांव में भी टूर्नामेंट है, आप वहां पहुंचे 51-31, चार टीमों को इनाम है वहां पे। और 31 तारीख का पौड़ी परिहारा में मैच है 51-31, आप वहां भी पहुंचे, आपके पड़ोस का ही गांव है बहुत ही। और साथियों 12 नंबर जर्सी का खिलाड़ी साथियों सीमा कंडक्ट कृष्ण रेडर, सीमा 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 सुपर रन साथियों, देखना जी कुछ अगर मुझे हाथ लगाए एक बार, बिल्कुल कामयाब रहा सीमा कंडक्ट, सुपर रन लगाने में कामयाब रहा। ऑफिशियल्स चाय ले ले। और वही सुपर रेड ने साथियों बड़ी हलचल कर दी स्कोर बुक में, जहां से सबका स्कोर 15 पॉइंट, वही रेढ़ाना का स्कोर 9 पॉइंट। बड़ी अच्छी सेवा बाबा जयराम दास की इस कमेटी की तरफ से, चाहे नाश्ते की बात हो, चाय की बात हो, हर प्रकार की सेवा पानी की बात हो, बड़ी बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखा गया कि बाहर से आने वाले खिलाड़ी या कोचिज किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो इस कमेटी का भी मैं बिल्कुल दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि आपने बड़े विशेष तौर पर यह ध्यान रखा कि आए हुए किसी भी दर्शक को खिलाड़ी को कोचिज को कोई परेशानी ना हो।
फिर एक बार 12 नंबर से सिरा खिलाड़ी साथियों सिला कंडक्टर सुपर रेड लगा चुका है। अजय फर्स्ट एड बॉक्स के साथ सप्रे के साथ पहुंचे गए अजय। 17-12 इन की ओर अब सेसप सेसप का स्कोर 17 में घड़ा का स्कोर 12 और आपको ले चलते हैं ग्राउंड नंबर और हाफ टाइम पर आपको स्कोर बताए सीएसएफ की टीम आगे चलते हुए सीएसएफ का स्कोर 17 का स्कोर 12 मेरे भाई अजय लगातार वो पूरे टूर्नामेंट में 15 दिन का देना है क्रिकेट के टूर्नामेंट में से आते हैं याद 17-12 का स्कोर 5 पॉइंट की लीड सीएसएफ के पक्ष में है लेकिन वो दम है रिधाना पारोराम की टीम में वो वापसी कर सकती है चाहे बात करें साथियों दीजिए की चाहे बात करें राम की चाहे बात करें सुनील मरवाल की सब बेहतरीन रेडर है और उतना बेहतरीन मैच सीएसएफ की टीम दिखाती हुई अब रेड पर साथियों दीजिए बिल्कुल हरियाणा प्रदेश के एक अच्छा बेहतरीन खिलाड़ी 4 के डिफेंस में बड़ी स्पीड इस खिलाड़ी के पास बने आते हैं मूवमेंट के साथ खेलते हैं खिलाड़ी लेकिन सीएसएफ का डिफेंस भी आप देख सकते हो किस प्रकार से करना है। इससे अगला मुकाबला चांदवास वर्सेस कारगर के मध्य में जो मिट्टी में खेला जाएगा और जो नॉर्थ के ऊपर खेला जाएगा उस अनुसार भारतीय वर्सेज आतंकपुर के मध्य में खेला जाएगा दोनों टीमें तैयार है। उसके बाद एक मुकाबला सती माता पाटेड़ा वर्सेज चनाने के मध्य में खेला जाएगा वो टीमों को तैयार रहेगी। और भाई ग्राउंड नंबर एक की जब बात करिए साथियों मोदी इस समय रेड पर सुपर का कलाम और सभी प्रेरणा से मेरा अनुरोध है पूरा प्रेम लाइनमैन के सारे बिजनेस बात को याद होगा अपना करें मेरे नाम को बनाए रखें। जवान के कंडक्टर अकेला गिरफ्त में आ चुका है और फिर शेषक की तरफ से रहे ये जितने भी सर्विस के खिलाड़ी हैं सब अपने कबड्डी के दम पर कबड्डी की काबिलियत कर इनको हरियाणा सरकार ने भारत सरकार ने नौकरी दे रखी है तो सभी खिलाड़ियों के अंदर वो काबिलियत है और अब 5 के डिफेंस में से सबका रेड रेड करता हुआ और साथ ही बेहतरीन खाई सचिन द्वारा